हाय, वेलकम टू इन्फोनिक्स elearn। घर में एक पीसी या लैपटॉप है और चलाने वाले मल्टीपल हैं, तो विंडोज़ हमें मल्टीपल यूज़र बनाने के लिए बेनिफिट देता है। इसके साथ हम हर एक यूज़र के लिए अलग से विंडोज़ को पर्सनलाइज्ड करके सिक्योरिटी सेटिंग और प्राइवेट फाइल स्टोरेज में रख सकते हैं। तो आपको पता है ये कैसे होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास है अकाउंट्स मैनेजमेंट। अकाउंट्स मैनेजमेंट मींस विंडोज 10 कंप्यूटर में आपको मल्टीपल अकाउंट्स बनाने को देता है, तो इससे हमारा सिंगल पीसी सारे फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर पाएंगे। विंडोज 10 पीसी में आप बहुत सारे अकाउंट्स विंडोज 10 में बना सकते हैं। आप कोई भी यूज़र अकाउंट्स क्रिएट कर रिमूव कर सकते हैं, इसीलिए आप फ्रेंड्स या फैमिली के लिए गेस्ट अकाउंट और अपने लिए एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट क्रिएट करें। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए स्टार्ट मेनू में क्लिक करें। लेफ्ट साइड में अकाउंट का आइकॉन है, उसे क्लिक करें और चेंज अकाउंट सेटिंग में क्लिक करें। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा फैमिली एंड अदर पीपल, उसको क्लिक करें और ऐड समवन एल्स टू दिस पीसी में क्लिक करें। अब यहाँ पे कोई भी यूज़र अकाउंट आपको बनाना है फैमिली या फ्रेंड्स का, तो उसका नाम दे दीजिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा जैक सूली, एक पासवर्ड दे दीजिए उसके लिए। जैसे मैंने यहाँ पे दिया 123123। और आप पासवर्ड भूल ना जाए उसके लिए कुछ एक हिंट दे दीजिए जिससे आपको पासवर्ड याद रहे। जैसे मैंने यहाँ लिखा हीरो ऑफ अवतार। नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे एक अकाउंट बन गया। अभी फिर से यूज़र अकाउंट में क्लिक करें, चेंज अकाउंट टाइप में क्लिक करें। यहाँ हम यूज़र को दो टाइप्स के कंट्रोल दे सकते हैं, जैसे कि पहला है स्टैंडर्ड यूज़र और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटर। स्टैंडर्ड यूज़र में हम यूज़र को पीसी का लिमिटेड एक्सेस देते हैं, जहाँ वो लिमिटेड काम कर पाएगा, और एडमिनिस्ट्रेटर में यूज़र को पीसी का फुल एक्सेस मिलता है, जहाँ वो पीसी को फुल कंट्रोल कर सकता है। अब मैं इसको स्टैंडर्ड यूज़र दिया, ओके किया। अब यूज़र अकाउंट में पिक्चर को चेंज करने के लिए योर इन्फो में क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको क्रिएट योर पिक्चर का ऑप्शन है। अगर आपके पास लैपटॉप में कैमरा या पीसी में वेबकैम है, तो आप कैमरा को क्लिक करेंगे तो वो आपका पिक्चर ले लेगा और आपके प्रोफाइल में आ जाएगा। या अगर आप ब्राउज वन में जाएंगे, तो यहाँ आप कंप्यूटर में जो कोई भी पिक्चर सेव करे होंगे, वो पिक्चर को आप अकाउंट में डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने ये पिक्चर सेलेक्ट किया, अब ये पिक्चर अकाउंट में आ गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है पासवर्ड चेंज का ऑप्शन। आप कोई भी यूज़र का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, इसके लिए आपको साइन इन ऑप्शन में जाना पड़ेगा। साइन इन ऑप्शन में क्लिक कीजिए, वहाँ पे देखिए पासवर्ड, यहाँ पे जाके चेंज के ऑप्शन में क्लिक कीजिए। आप करेंट पासवर्ड दे दीजिए। उसी तरह न्यू पासवर्ड और री एंटर पासवर्ड को देंगे और पासवर्ड हिंट दे देंगे, तो यूज़र का पासवर्ड चेंज हो जाएगा।